हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि ऑलमोस्ट एक महीने से ऊपर हो चुका था लंजा वेन क्लैन में बंदी था एंड उसके ऊपर बहुत टॉर्चर हुआ है हर रोज एंड हर दिन वेंचिंग उसका ट्रीट किया करती थी। बट अभी वेंचिंग को येलिंग शिफ्ट कर दिया गया था ड्यूटी की वजह से, तो अब लंजा बिल्कुल अकेला पड़ गया था एंड थैंकफुली अभी वो वेन क्लैन के आउटस्पॉट में बंदी था। जब उसे पता चला कि उसका भाई ठीक है, नियतलैंड पहुंच गया है, अभी यांगमिंग भी खतरे से बाहर है, तो लंजा को रियलाइज हुआ कि अब उसे कॉपरेट करने की ज़रूरत नहीं है, अब वो यहाँ से भाग सकता है एंड वो वहाँ से भाग गया। बट अनफॉर्चुनेटली रास्ते में उसे विंचाओ ने पकड़ लिया एंड विंचाओ ने उसके ऊपर बहुत टॉर्चर किया एंड जैसे कि लंजा के अंदर गोल्डन कोड नहीं था तो लंजा ठीक से फाइट बैक नहीं कर पाया, तो विंचाओ लंजा को वापस विंचाओ के पास लेके जाने वाला था। बट लंजा के थ्रेट सुन के विंचाओ डर गया एंड वो लंजा को लेकर यिलिंग के बुरियल माउंट्स में उसने फेंक दिया। जब लंजा गिर रहा था वो अपने आप से ही कह रहा था, भाई मुझे माफ़ करना, मैं आपको गुड बाई नहीं कह पाया। अंकिल मुझे माफ़ करना, मैं इतना वीक था कि मैं भाग नहीं पाया। विंग, इसका ये लंजा को सोच पाता वो गिर गया एंड गिरने से पहले उसने विंग का ही नाम सोचा एंड इस तरफ यांगमिंग में सडनली विंग लंजा के नाम से ज़ोर से चिल्ला कर उठा। तब उसे रियलाइज़ हुआ कि वो सपना देख रहा था, वो सपना देख रहा था कि लंजा एक बहुत ही सुनसान जगह पर है जहाँ पर आसपास कुछ भी नहीं है, सिर्फ डार्कनेस है एंड उस डार्कनेस में लंजा उसे बुला रहा है एंड विंग लंजा को बहुत ढूंढ रहा है बट वो उसे ढूंढ नहीं पा रहा। विंग को समझ में नहीं आ रहा था कि वो ऐसा ड्रीम क्यों देख रहा था। उसे रियलाइज़ हुआ कि उसे फ्रेश एयर की ज़रूरत है, वो अभी यहाँ पर कैंप में नहीं रुक सकता, तो वो टेंट से बाहर निकला। एक्चुअली अभी उन लोगों का सनशॉट कैंपेन शुरू हो गया था, उन लोगों ने धीरे धीरे वेन क्लैन के ऊपर अटैक स्टार्ट कर दिया था, वो लोग हर एक आउटस्पॉट में अटैक कर रहे थे तो इसलिए भी सब लोग टेंट पे रह रहे थे एंड विंग एंड जियांगचेंग एक ही टेंट शेयर कर रहा था। तो जियांगचेंग सो रहा था तो विंग टेंट से निकल गया वॉक करने के लिए। वॉक करते हुए विंग सोच रहा था कि उन लोगों ने अभी तक बहुत सारे आउटस्पॉट में अटैक कर लिया है एंड हर एक वॉर में उन लोगों ने ही जीता है, उन लोगों ने सो फार बहुत सारे टेरिटोरीज हासिल कर लिया है। विंग सोच रहा था कि ऑलमोस्ट 4 महीने हो चुका है विंग ने लंजा को नहीं देखा है। देन विंग को वो दिन याद आ रहा था जिस दिन ज़ेवुजुन के नियतलैंड में वापस आने के बाद वो लोग वॉर की वजह से मिले थे। ज़ेवुजुन एंड लंजा बहुत हद तक सेम जैसे ही दिखते हैं, तो ज़ेवुजुन को देखते ही विंग को लंजा की बहुत याद आ रही थी एंड उसे अंदर अंदर बहुत पेन हो रहा था। तो विंग एंड जियांगचेंग को देखते ही ज़ेवुजुन ने एक कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ एक स्मॉल स्माइल करते हुए कहा, जियांग गोंगजा, वे गोंगजा, मैंने आपसे कहा था कि आप दोनों ही वो लास्ट पर्सन हैं जिससे मेरे भाई लास्ट बार मिला था मिसिंग होने से पहले, तो आप लोगों को ज़्यादा पता होगा कि वो कहाँ गया है। तो जियांगचेंग ने कहा, उसने हमें कहा था कि वो गुसु वापस जा रहा है। जब हमने उसे कहा था कि उसके पापा का डेथ हो गया है तब वो बहुत अपसेट हो चुका था, शायद इसलिए उसने डिसाइड किया था कि उसे पहले आपको ढूंढना चाहिए ताकि आप लोग सेठ को हेल्प कर सके। ये बोलते हुए जियांगचेंग सोच रहा था कि जियांगचेंग जिस टाइप का पर्सन है उसके लिए एक कल्टिवेटर का रोक कल्टिवेटर बनना एंड अपने किसी अपने को ढूंढना कोई ऑड बात तो नहीं है। तो जियांगचेंग को लंजा के ऊपर बिलीव हो गया था, उसे लगा था कि शायद लंजा यही करने वाला था, तो उसने लंजा के ऊपर डाउट नहीं किया था एंड उसने उसे जाने दिया था। बट ज़ेवुजुन एंड विंग जानते हैं कि लंजा का नेचर कैसा है, लंजा बहुत ही पेशेंस वाला इंसान है, वो कहीं भी जल्दबाजी में कोई भी टफ डिसीजन नहीं लेता। बट ज़ेवुजुन ये भी जानते हैं कि जिन इंसान से लंजा प्यार करता है, जो इंसान लंजा के अपने हैं, उसके लिए लंजा कुछ भी कर सकता है, तो ज़ेवुजुन को ढूंढने जाना कोई ऑकवर्ड बात नहीं था, लंजा ऐसा कर सकता है क्योंकि लंजा की फैमिली में सिर्फ ज़ेवुजुन ही उसके अपने हैं। ज़ेवुजुन यही सोच रहे थे तभी विंग ने कहा, ज़ेवुजुन जब आप मिसिंग थे तब लंजा इस बात को लेकर बहुत अपसेट था, जब हम केप में अकेले बंद थे तब उसने इस बात को शो करने की कोशिश तो नहीं किया था बट उसके फेस को देखकर पता चल रहा था कि वो कितना अपसेट है एंड वो ये बोलते हुए विंग चुप हो गया। बट ज़ेवुजुन समझ गए। ज़ेवुजुन को टेंस देखकर विंग ने कहा, हम उसे ढूंढ निकालेंगे ज़ेवुजुन, लंजा बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंसान है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर है, ऐसा कोई भी सिचुएशन नहीं है जिसमें लंजा सर्वाइव नहीं कर सकता, आप चिंता मत करिए। विंग को पता नहीं कि ये बात विंग ज़ेवुजुन को बोल रहा था या फिर अपने आप को। अभी फ्लैशबैक खत्म होता है
विंग ऐसे जंगलों में वॉक कर रहा था एंड लंजा के बारे में सोच रहा था। उसने फॉरेस्ट के ट्रीज से पूछा, लंजा तुम कहाँ हो? ये बोलकर विंग ने शाई किया, क्योंकि विंग को कोई आंसर नहीं मिला। यही सोचते हुए विंग और भी डीप जंगलों में जा रहा था एंड वही सॉन्ग हमिंग कर रहा था जिस सॉन्ग को लंजा ने उसके लिए प्ले किया था श्वेनु केव में। श्वेनु केव के बाद विंग जब भी अकेला रहता है वो हमेशा इसी सॉन्ग को प्ले करता है एंड वो लंजा को बहुत मिस करता है। लंजा को मिस करते हुए विंग कह रहा था, फड़ी डडी तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम जल्दी वापस आओ एंड मुझे इस सॉन्ग का नाम बताओ। ये बोलकर विंग ने शाई किया। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जियांगजा एंड विंग अपने तलवारों को रिकवर करने के लिए चले गए। आज के लिए उनका मिशन यही था। विंग बहुत एक्साइटेड था अपने तलवार सुइबिया से मिलने के लिए, तो वो कंटिन्यू इसके बारे में ही बोले जा रहा था एंड जियांगजा ने भी उसे नहीं रोका क्योंकि जियांगजा खुद बहुत एक्साइटेड था अपना तलवार संडू से मिलने के लिए एंड उनका मिशन सक्सेसफुल था। जियांगजा को अपना तलवार मिल गया एंड विंग को भी अपना तलवार मिल गया। बट पता नहीं क्यों विंग पागलों की तरह कुछ ढूंढ रहा था एंड वो बहुत ही गुस्सा हो रहा था। उसने फ्रस्ट्रेट होकर कहा, कहाँ पर है ये? ये देख के जियांगजा फ्रंट हो गया। उसने कहा, तुम ये क्या बोल रहे हो? सुइबिया तुम्हारे बेल्ट पे है। विंग ने कहा, नहीं ये नहीं। ये बोलते हुए विंग आई भी कुछ ना कुछ ढूंढ रहा था एंड वो उसे नहीं मिल रहा था। ऐसे ही कुछ घंटे बीत गए बट अभी तक विंग को वो चीज़ नहीं मिला जो वो ढूंढ रहा था। ये देख के जियांगजा ने पूछा, तुम ढूंढ क्या रहे हो? विंग ने कहा, बी चेन, यहाँ पर वो नहीं है। ये सुन के जियांगजा बिल्कुल कन्फ्यूज्ड हो गया। उसने कहा, क्या मतलब यहाँ पर नहीं है? उसका तलवार भी तो हमारे साथ ही लिया गया था ना, वो तो यहाँ पर ही होगा। विंग ने कहा, मुझे नहीं पता, मैंने हर जगह ढूंढ लिया बट वो कहीं पर भी नहीं है। जब लंजा वापस आएगा ना तब वो बहुत ही अपसेट हो जाएगा। जियांगजा फ्रंट हो गया। उसने कहा, सिर्फ उसका ही तलवार क्यों मिसिंग है? विंग ग्रोन कर उठा। वो सोच रहा था अगर किसी विंग डॉग ने उसका तलवार ले लिया ना तो विंग उसे नहीं छोड़ेगा। तो विंग फर्स्ट सेशन में चिल्ला रहा था, आसपास किक कर रहा था। ये देख के जियांगजा ने कहा, तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो? तुम्हें इतनी परेशानी क्यों है? तभी विंग ने एक अलग सा फर्स्ट सेशन में कहा, क्योंकि हम उसे नहीं ढूंढ पा रहे हैं। एंड विंग के वॉइस सुनते जियांगजा बिल्कुल चुप हो गया। विंग ने कहा, हम उसे नहीं ढूंढ पा रहे हैं, मुझे लगा था कि एटलीस्ट आज हमें उसका तलवार मिल जाएगा बट हमें वो भी नहीं मिल रहा। ट्रस्ट मी जियांगजा, मुझे इतना यूजलेस आज तक कभी भी फील नहीं हुआ था। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उसे फेल कर रहा हूँ, मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा। जियांगजा विंग के एक्सप्रेशन को ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा था। उसने कुछ टाइम बाद कहा, तुम सच में उसके लिए बहुत केयर करते हो? विंग ने कहा, ऑफ कोर्स मैं करता हूँ जियांगजा, उसने मुझे बचाया है एंड वो बहुत ही अच्छा इंसान है। मैंने आज तक अपने लाइफ में लंजा जैसे ब्रेव काइंड इंसान कभी भी नहीं देखा है। ये बोलते हुए विंग ने स्माइल किया बट ये स्माइल जेनुइन नहीं था, पेनफुल था। विंग ने कहा, उसने कभी भी कुछ भी गलत नहीं किया है एंड आज अभी मुझे पता भी नहीं है कि वो कैसा है, वो ठीक है या नहीं, वो डेंजर में है या। ये बोलते हुए विंग चुप हो गया क्योंकि वो और कुछ सोच नहीं सकता। उसे अंदर अंदर बहुत ही डर लग रहा था। वो सिर्फ यही कह रहा था कि नहीं, लंजा जिंदा है, वो ठीक है, उसे कुछ भी नहीं हो सकता। जियांगजा ने कुछ टाइम के लिए कुछ भी नहीं कहा। वो बस विंग को देख रहा था, उसके बिहेवियर को देख रहा था, उसके एक्सप्रेशन को देख रहा था। वो सोच रहा था जब वो लोग गुस्से में स्टूडेंट थे तब जियांगजा को बहुत ही गुस्सा आता था, उसे बहुत ही जेलस फील होता था क्योंकि विंग का पूरा अटेंशन लंजा के ऊपर था। जियांगजा को यही लगता था कि वो सेकेंड जेट उसके भाई को उससे छीन ले जाएगा। बट आज जियांगजा को रियलाइज हो रहा था कि विंग ने ऑलरेडी अपने आप को लंजा के सामने गिव अप कर दिया है, वो भी आज नहीं बहुत टाइम पहले। एंड शायद विंग ने इस बात को अभी भी खुद भी रियलाइज नहीं किया है बट जियांगजा को ये बात रियलाइज हो चुका था। वो समझ चुका था कि विंग लंजा से प्यार करता है एंड अभी सडनली जियांगजा यही प्रे कर रहा था कि लांगवांग जी ठीक रहे, जिंदा रहे। अगर इसके लिए जियांगजा को अपने भाई को खोना भी पड़ा तो भी ठीक है, वो अपने भाई को दूर होते हुए देख सकता है। बट वो नहीं चाहता कि उसके भाई का हार्ट ब्रेक हो, वो अपने भाई के फेस में हार्ट ब्रेक नहीं देख सकता। इससे पहले जियांगजा अपने भाई को कम्फर्ट करने के लिए कुछ बोल पाता सडनली वहाँ पर एक सोल्जर आ गया। उस सोल्जर ने कहा, गोंगजस,
हमें कुछ वेन गार्ड्स मिला है एंड शायद उन लोगों को लाना गोंग्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन पता है। एंड ये सुनते ही विंग ने एक सेकेंड भी वेट नहीं किया, वो वहाँ से दौड़ते हुए चला गया। जेंग चेन ने भी उसका पीछा किया। विंग ने एक सोल्जर को टाइटली पकड़ा, उसे कॉलर को जकड़ा एंड उससे पूछने लगा वो कहाँ पर है। विंग की ये रूप देख के सब लोग बहुत डर गए थे। उन लोगों ने डरते हुए कहा पहले हमें जाने दो, दिन हम आपको बताएंगे। तभी विंग ने उस सोल्जर के फेस में जोर से पंच किया एंड उसका जॉ भी शायद टूट गया। वो फिर से पंच करने वाला था बट जेंग चेन उसे रोक दिया। जेंग चेन ने कहा क्या तुम पागल हो गए हो, अगर तुमने उसे मार दिया तो हमें कोई भी आंसर नहीं मिलेगा। विंग ने जेंग चेन के हाथ को अपने हाथ से अलग किया। उसने उस वेन गार्ड के ऊपर ग्लेयर करते हुए पूछा वो कहाँ है। विंग का वॉइस बहुत ही डेंजरस था, वॉइस के साथ साथ उसके फेस भी। इनफैक्ट जेंग चेन ने विंग का ये रूप आज से पहले कभी भी नहीं देखा था। विंग के एक पंच से उस वेन सोल्जर के मुंह से ब्लड निकल रहा था बट अभी तक उस सोल्जर ने कुछ भी नहीं कहा। इससे पहले विंग और भी गुस्सा हो जाता, जेंग चेन ने अपना जिडियन निकाला। ये जिडियन उसे मैडम यू ने ही दिया है अपने प्रोटेक्शन के लिए। उसने जिडियन लेकर एक मैन को रैप कर लिया एंड उसके अंदर इलेक्ट्रिक शॉक देने लगा। जेंग चेन ने कहा अगर तुम लोग ये सब रोकना चाहते हो तो तुम्हें हमें बताना होगा कि वो कहाँ है। कुछ टाइम के लिए वो विंग सोल्जर्स चुप रहे, देन उन लोगों ने गिव अप कर दिया। उनमें से एक ने कहा येलिंग। वो येलिंग से ही गुजर रहा था तभी विंग चाओ ने उसे पकड़ लिया। फाइनली जेंग चेन उस इंसान को जाने दिया बट विंग ने नहीं छोड़ा। विंग ने डिमांड करते हुए पूछा विंग चाओ ने उसे पकड़ लिया है, क्या उसने लांगवान जी को बंदी बनाकर रखा है, वो कहाँ है। विंग बिल्कुल क्रेजी बिहेव कर रहा था एंड सडनली वो विंग सोल्जर जोर जोर से हंसने लगा। उस सोल्जर ने कहा विंग चाओ लांगवांग जी से हेट करता है, एरोगेंट प्राइडफुल बास्टर्ड को लेसन सिखाना चाहता था, तुम लोग उसे कहीं भी ढूंढ नहीं पाओगे। ये सुनकर विंग ने चिल्ला कर पूछा वास करना बंद करो एंड मुझे बताओ वो कहाँ है। उस सोल्जर ने कहा वो अभी तक मर चुका है या फिर मर चुका होगा। विंग चाओ ने उसे ऐसी जगह पर भेजा है जहाँ पर अगर कोई जाता है तो वो वापस लौट कर नहीं आता, इनफैक्ट एक स्पीड भी नहीं, उस जगह से कोई भी नहीं निकल सकता। ये सुनते विंग शॉक्ड हो गया। सिर्फ विंग ही नहीं, इनफैक्ट जेंग चेंग भी शॉक्ड हो चुका था। वो दोनों ही डर चुके थे, वो दोनों पैनिक हो चुके थे। विंग ने पैनिक होकर कहा लंजा इस तरफ नियम इंगजुए एंड जेबोचुन। तो गाइज हम सब जानते हैं कि इस स्टोरी में नियम इंगजुए एंड जेबोचुन कपल है, तो मैं उनका लव स्टोरी एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि आई नो आप लोगों का इंटरेस्ट नहीं रहेगा, तो मैं इस लव स्टोरी को शॉर्ट में ही स्किप करती हूँ। तो जब जेबोचुन फर्स्ट टाइम उसू से भागने के बाद नियतलैंड में लौटे थे, उन्हें नहीं पता था कि उनका भाई मिसिंग है। अगर उन्हें पता होता तो शायद वो गुसू चले जाते बट वो पहले अपने लवर से मिलना चाहते थे। तो जैसे ही वो लोग मिले उन लोगों ने दूसरे को किस किया एंड उन लोगों ने दूसरे को कन्फ्यूज भी किया क्योंकि वो लोग और लेट नहीं करना चाहते थे। एंड देन उसके बाद नियमिंगजू ने जेबोचुन को इन्फॉर्म किया कि लांगवांग जी मिसिंग है। इनफैक्ट नियमिंगजू को भी पता नहीं था, उन्हें लगा था कि लांगवांग जी जेबोचुन को ढूंढने के लिए गए हैं एंड वो जेबोचुन के साथ ही है। बट जब जेबोचुन ने उन्हें कहा कि वो लंजे से मिले ही नहीं, तब उन दोनों को रियलाइज़ हुआ था कि लांगवांग जी सच में मिसिंग है एंड तब से लेके वो लोग आज भी लंजा को ढूंढ रहे थे बट उन लोगों को लंजा का क्लू नहीं मिल रहा था। तो दिन भर दिन जेबोचुन और भी सैड होते जा रहे थे, उनका ताकत भी कम होते जा रहा था, वो बहुत ही वीक होते जा रहे थे क्योंकि वो अपने भाई को मिस कर रहे थे, उनका भाई लापता है। इस तरफ नियमिंगजे पूरी कोशिश कर रहे थे लांगवांग जी को ढूंढने का। अभी ट्रेन में बैठ के जेबोचुन यही सोच रहे थे तभी वहां पर एक इमरजेंसी बेल बजा, सब लोगों को इमरजेंसी मीटिंग में बुलाया गया। मीटिंग में यही न्यूज मिला कि वेन आर्मी उनके ऊपर अटैक करने के लिए उनके पास आ रहे हैं एंड उनका आर्मी लीड कर रहा है खुद वेन शू। ये सुनकर सब लोग शॉक्ड हो गए थे क्योंकि वॉर स्टार्ट होने के बाद ये फर्स्ट टाइम था जब वेन शू खुद आर्मी को लीड कर रहा था। तभी नियमिंगजू ने कहा वो एक डरपोक है, फाइनली अब वो हमारे सामने आ रहा है। तभी जेबोचुन ने कहा बट मुझे कुछ ठीक फील नहीं हो रहा, वेन शू वेन आर्मी का जनरल है, वो इस वॉर में इतना लेट ज्वाइन क्यों करेगा। तभी नियमिंगजू ने कहा तुम्हें क्या लगता है एंड तुम्हारा तो एक स्पाई है ना सिचेन, उसने क्या कहा है। जेबोचुन ने कहा उन्हें अभी तक कोई हैंडफुल न्यूज नहीं मिला है। जेबोचुन ने कहा कि उनके स्पाई ने इन्फॉर्म किया है कि टिशन में आई मीन वेन क्लैन में
बहुत लोगों को ये पता ही नहीं था कि वेंशु इतने टाइम से कहाँ पर था। इनफैक्ट वेन रोहन तक को नहीं पता था। वेंशु बहुत टाइम से मिसिंग था। अभी नियम इंजन ने कहा, अभी ये सब सोचने की टाइम नहीं है, अभी हमें वॉर पे फोकस करना चाहिए। जेवुचुन ने कहा, बट आज तो हम बाकी लोगों को रेस्क्यू करने वाले थे ना, आज तो हमारा कोई वॉर करने का प्लान ही नहीं था। तभी जेवुचुन ने कहा, हमें स्प्लिट होना होगा। मैं एंड सीजन वेंशु के साथ वॉर करने जाएंगे एंड जियांग क्लैन बाकी लोगों को रेस्क्यू करने जाएगा। सब लोगों ने नोट किया। जिन जुशन भी उन लोगों को हेल्प करना चाहता था, बट नीम इंगजे ने भी उन्हें मना कर दिया। बट वार से पहले जेवुचुन बार बार कह रहे थे, पता नहीं क्यों मुझे बहुत ही बैड फीलिंग हो रहा है, मुझे कुछ गलत लग रहा है इस अटैक के लिए। आई मीन कुछ तो गलत है, कुछ तो हम मिस कर रहे हैं। बट नीम इंगजे ने कहा, चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम सब कुछ संभाल लेंगे। दिन वॉर पे निकलने से पहले जेवुचुन ने नियम इंजन ने प्रॉमिस किया कि वो लोग बहुत जल्दी शादी करेंगे। दिन वो लोग वॉर के लिए निकल गए। उनका बैटल शुरू हुआ एंड सरप्राइजिंगली वेंशु बहुत ही स्ट्रांग फील हो रहा था। आई मीन वेंशु इतना स्ट्रांग नहीं था, ये देख के नियम इंजन खुद शॉक्ड हो गए थे। वेंशु बहुत ही डेडली अटैक कर रहा था एंड वो जेवुचुन के अटैक को डिफेंड कर रहा था, जो कि इम्पॉसिबल था क्योंकि जेवुचुन खुद फर्स्ट जेट है। उनकी तलवार का अटैक करना इम्पॉसिबल है। अगर देखा जाए तो गुसु का एक अलग ही टेक्निक होता है, उनका एक अलग ही पावर होता है। एंड अगर टेक्निकली कोई जेवुचुन के अटैक को डिफेंड कर सकता है तो वो टेक्निकली लंजा। उसके अलावा ये अटैक और कोई डिफेंड नहीं कर सकता, बट वेंशु कर रहा था। ये देख के नियमिंगजे ने कहा, वो इतना स्ट्रांग कब हो गया? जेवुचुन और नियमिंगजे बहुत कोशिश कर रहे थे बट वो लोग वेंशु को डिफेंड कर ही नहीं पा रहे थे। इनफैक्ट वेंशु का आर्मी भी बहुत ही स्मॉल था, स्टिल वो लोग वेंशु को डिफेंड नहीं कर पा रहे थे। ये देख के वो लोग शॉक्ड हो गए थे। ये देख के वेंशु ने कहा, यही सोच रहे हो ना कि तुम लोग मुझे डिफेंड क्यों नहीं कर पा रहे हैं? ये सुनकर जेवुचुन ने कुछ कहा नहीं, वो खुद फ्लोर पे गिरे हुए थे। वेंशु ने कहा, ठीक है तो फिर मैं आपको बताता हूँ, मैं पिछले कुछ महीनों से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग गोल्डन कोर कल्टिवेट कर रहा हूँ। मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट किया है एंड अब मैं इतना पावरफुल हो चुका हूँ कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। जब वेंशु ये सब बोल रहा था तब एक डिसेबल वेंशु के ऊपर अटैक करने ही वाला था, बट वेंशु ने उसकी तलवार को हवा में ऐसे ही उड़ा दिया। वेंशु ने कहा, एंड अब मेरे पास इतना स्पिरिचुअल पावर है कि मुझे इमोर्टलिटी मिल जाए। ये बोलते हुए वेंशु जेवुचुन एंड नियम इंगजे के ऊपर डेडली अटैक कर रहा था। उन लोगों को वेंशु के पावर के ऊपर बिलीव नहीं हो रहा था। तभी वेंशु ने कहा, लान सीचेन, मैं भूल गया था, मेरे पास आपके लिए एक प्रेजेंट है। ये बोल के वेंशु ने हवा में एक तलवार निकाला एंड वो तलवार ऑफकोर्स जेवुचुन के लिए बहुत ही फैमिलियर है। उस तलवार को स्काई में देखने के बाद जेवुचुन का दिल टूट रहा था। वेंशु ने उसी तलवार से जेवुचुन के ऊपर अटैक किया एंड वो तलवार जेवुचुन के नेक में लगने ही वाला था, बट सही टाइम पे वहाँ पर निये मिंगजी आ गया एंड उसने जेवुचुन को बचा लिया अपने बख्शिया से। उस तलवार को देखकर जेवुचुन शॉक्ड हो गए। उन्होंने कहा, ये तलवार उसके पास? ये निये मिंगजो ने कहा, मैं समझ गया ये तलवार क्या है, ये तो। तभी निये मिंगजो ने वेंशु की तरफ देखा क्लियर करते हुए। उसने कोल्डली कहा, बीचेन को चलाने के लिए तुम वर्थी नहीं हो। वेंशु ने कहा, क्या सच में? ये बोलते हुए वेंशु अपने पावर से बीचेन को मूव कर रहा था। वेंशु ने कहा, बट ये तलवार तो मेरे बात को सुन रहा है, ये तो ऐसा बिहेव कर रहा है जैसे कि मैं ही इसका मास्टर हूँ। ये सुनकर नियमिंगजे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया एंड इस तरफ जेवुचुन बिल्कुल शॉक्ड हो गए थे, उन्हें कुछ बिलीव नहीं हो रहा था। पर तभी जेवुचुन ने अपने आप को याद दिलाया कि उनके पास अभी इसका टाइम नहीं है। उसने एक स्ट्रिंग का गुचिन लिया एंड वो उन्हें प्ले करने लगा। एंड ऑफकोर्स जेवुचुन लान क्लैन से हैं। लान क्लैन के टेक्निक्स पूरे दुनिया में फेमस है, स्पेशली उनका म्यूजिकल टेक्निक्स। वेंशु पावर तो ले सकता है बट वो म्यूजिकल ज्ञान नहीं ले सकता। तो जैसे ही जेवुचुन ने म्यूजिकल टेक्निक्स प्ले करना शुरू किया, वेंशु वॉरिड हो गया एंड अब वो लोग जेवुचुन के अटैक को डिफेंड नहीं कर पा रहे थे, उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा था। इस तरफ जेवुचुन, उनके हाथ से ब्लीडिंग हो रहा था बट वो स्टिल प्ले किए जा रहे थे। अब धीरे धीरे लग रहा था कि वेंशु अपना पावर खो रहा है, वो हार रहा है। जेवुचुन ने बहुत ही गुस्से में कहा, उसे वापस करो। ये बोलते हुए जेवुचुन कंटिन्यू गुचिन प्ले किए जा रहे थे। तभी वेंशु ने चिल्ला कर कहा, ये तलवार अब मेरा है एंड वैसे भी अब तुम्हारा भाई इसे यूज भी नहीं कर सकता। ये सुनकर नियमिंगजे ने कहा, तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? इस तरफ जेवुचुन स्पीचलेस हो चुके थे, वो कुछ कह नहीं पा रहे थे, वो इतना शॉक्ड हो चुके थे।
तभी विंशु ने डार्कली हंसते हुए कहा, तुम लोगों को नहीं पता, अब तक तो वो मर चुका होगा। इससे पहले ज़ेबोचन कुछ कह पाते, विंशु फिर से अटैक करने लगा। एंड इस बार ज़ेबोचन और उनका आर्मी इतना वीक हो चुके थे कि वो लोग ठीक से डिफेंड भी नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि ज़ेबोचन वैसे ही शॉक्ड हो चुके थे एंड उसके साथ साथ वो टायर्ड भी हो चुके थे। इस तरफ नियमिन जो भी ज़्यादा डिफेंड नहीं कर पा रहा था। इससे पहले विंशु का आर्मी उन लोगों के ऊपर हावी होता, वहाँ पर एरोस की बारिश होने लगी। आसपास से बहुत सारे डिसिपल्स अपने तलवार में फ्लाई करते हुए वहाँ पर आ रहे थे एंड जो उन लोगों के ऊपर एरोस का बारिश कर रहा था वो और कोई नहीं जिन जिशुआंट एंड विंग था एंड उनका आर्मी। इस तरफ जीडियन को भी जियांग चेंग अच्छे से चला रहा था। अब विंशु का आर्मी हार रहा था। लोगों ने बस कुछ ही मिनट्स में विंशु के आर्मी को हरा दिया एंड देन विंग दौड़ते हुए ज़ेबोचन के पास गए। विंग के फेस में वॉर जीतने का कोई प्राइड नहीं था, वो बस टेंस था। विंग ने पूछा, ज़ेबोचन क्या विंशु बीचन को चला रहा था? ज़ेबोचन इतना शॉक्ड थे कि उनका फेस डार्क हो चुका था। ज़ेबोचन ने कहा, उसने मुझे नहीं पता कि उसने ये सब मुझे रिस्टार्ट करने के लिए कहा या नहीं, पर उसने कहा कि वांग जी अब तक मर चुका होगा। ये सुनते हुए उनका फेस सैडनेस में बदल गया। विंग को पता है कि अभी वो जो बोलने वाला है वो सुन के ज़ेबोचन और भी ज़्यादा शॉक्ड हो जाएंगे और भी ज़्यादा सैड हो जाएंगे। तो विंग ने कहा, ज़ेबोचन एक वेन गार्ड ने हमें बताया कि 3 महीने पहले वेन चाओ ने लंजा को यिलिंग में पकड़ लिया था एंड देन उसने उसको बुरियल माउंट्स में फेंक दिया था। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।